नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और जॉब अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जॉब अपडेट है मिंत्रा की तरफ से। इस जॉब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हर चीज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपके रोल रहने वाली है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है और कौन कौन से बैचेस इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, इसमें आपकी प्रोफाइल रहने वाली है एसोसिएट ट्रेनर और दोस्तों लोकेशन है बैंगलोर। जॉब पर्पस दोस्तों आप देख सकते हो, ट्रेनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग न्यू हायर एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्लासेस टू आर फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज द कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, एक बात और बता दूं, ये नॉन टेक्निकल जॉब है, पर दोस्तों सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है, अगर आप मिंत्रा में 1 या 2 साल या फिर 6 महीने भी काम कर लोगे ना, आपके रिज्यूमे में बहुत वेटेज बढ़ जाने वाला है, क्योंकि मिंत्रा एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और अगर आप इसमें काम कर लोगे फिर आप कोई और कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो दोस्तों आपको वहां और अच्छी जॉब मिल जाएगी। पर दोस्तों, मिंत्रा में भी अच्छा पे मिलता है जितना मेरे को मालूम है, और दोस्तों मैं आपको जरूर पे भी बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, आप जॉब ड्यूटीज देख सकते हो, दोस्तों आप अपनी जॉब ड्यूटीज देख सकते हो। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, आप जैसे देख सकते हो ये वाला पॉइंट, प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेड एंड फेस टू फेस फीडबैक। दोस्तों, आपको फीडबैक प्रोवाइड करना होगा, अगर जैसे भी आप, मैंने आपको बताया जैसे सीएससी की जॉब रहने वाली है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, आपको फीडबैक प्रोवाइड करने हैं। कंडक्ट इंटरव्यूज फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड एसेस ट्रेनेबिलिटी ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, आपको हायरिंग भी करनी है। दोस्तों, इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। बाकी के दोस्तों आप देख सकते हो क्या क्या जॉब ड्यूटीज आपकी रहने वाली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है ग्रुप प्रेजेंटेशन स्किल्स। हाँ दोस्तों, ये सबसे ज्यादा मेन होता है जब हम हायरिंग की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम हायरिंग की बात करते हैं, क्योंकि प्री प्लेसमेंट टॉक होता है और हमें अच्छे से बात करनी होती है। दोस्तों, आप जैसे देख सकते हो ये वाला पॉइंट, आपको एमएस एक्सेल अच्छे से आना चाहिए। दोस्तों, इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो सी की जरूरत होगी, पाइथन की जरूरत होगी, जावा की जरूरत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉन टेक्निकल जॉब है, बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिंत्रा की तरफ से। तो दोस्तों, इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। दोस्तों, अप्लाई के लिए आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको बस ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और दोस्तों ईमेल वही भरिएगा जो आपके फोन में भी एक्सेस हो, क्योंकि ये लोग नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो वो आप जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सको। फोन नंबर दोस्तों अपना दीजिएगा, लोकेशन बता दीजिएगा। अब दोस्तों आपको बताना है रिज्यूमे, रिज्यूमे दोस्तों आप डाल सकते हो। और दोस्तों अपने रिज्यूमे में कुछ चीजें ऐसी डालना, अगर आपने डिबेट में कभी पार्टिसिपेट किया हो, क्या आप कहाँ का बोल चुके हो, लाइक आपने कहीं भी इवेंट, कहीं भी आपने कोई इवेंट करवाया हो, क्योंकि उससे आपका पता चल जाएगा कि ये बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। तो दोस्तों, अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है, इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए हैं, तो उसको रिज्यूमे में जरूर मेंशन करना। और दोस्तों, जैसे ही ये सब आप फिल कर दोगे, आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, फिर ये आपका रिज्यूमे में सेलेक्ट होगा। अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है तो मिंत्रा की साइड से आपको कॉल आने वाला है, आपको ईमेल भी आ जाएगा। दोस्तों ये था एक और जॉब अपडेट, इसके लिए दोस्तों अप्लाई कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेरे चैनल के बारे में। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर डेली जॉब अपडेट डालता रहता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने लास्ट बहुत सारे जॉब अपडेट डाल दिए हैं, मैक कैफे का, जियो का, एस्को की तरफ से दोस्तों, और दोस्तों एक एसेंचर का भी डाला था। और दोस्तों हम साथ ही साथ में इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी डालते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जल्दी से जल्दी। और दोस्तों जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों सीट्स फुल हो जाती है, फिर आपको चांस नहीं मिलता। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं फिर मुझसे बोलते हो कि सर लिंक एक्सपायर हो गया, तो भाई प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको जल्दी से जल्दी लेटेस्ट जॉब अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।